हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट। आई एम योर फ्रेंड ज़कवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरे फ्रेंड हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बिल्स इन द पार्लियामेंट। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा देखा था, क्या स्पीकर्स होते हैं, लोकसभा के डिप्यूटी स्पीकर्स क्या होते हैं, उनके बीच में का डिफरेंस क्या होता है, और वो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं और उन्हें कैसे इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है या डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। और आर्टिकल 93 को हमने डिस्कस किया, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को स्पीकर ऑफ द लोकसभा के हमने क्या कि डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा माय फ्रेंड तो जल्द से जल्द जाकर देखे। तो आज का ये टॉपिक है हमारा बिल्स इन द पार्लियामेंट। आज हम बिल्स जो कि होते हैं पार्लियामेंट में, किस तरह के बिल्स पास होते हैं लोकसभा में, किस तरह के बिल्स पास होते हैं राज्यसभा में, और पार्लियामेंट में किस तरह के बिल्स पास होते हैं, तो हम ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को, ईच एंड एवरी बिल्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कौन से टाइप्स होते हैं बिल्स के और वो बिल्स के टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे माय फ्रेंड्स, है ना। तो शुरू करने से पहले ये प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएसई 2020 अनअकैडमी आपके लिए स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल लेके आया है, जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुका है माय फ्रेंड्स। और ध्यान में रखिए, इसमें आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलने वाले, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। तो ये 5 सितंबर से शुरू हो चुका है ये प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल जैसे बोलते हैं अनअकैडमी, और उसको 5 सितंबर से शुरू हो चुका है माय फ्रेंड्स, जिसमें आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगे, 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस जो कि कोई भी कोचिंग अकेडमी आपको नहीं देंगी माय फ्रेंड्स। और दूसरी एक मेन बात कि अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो कि अनअकैडमी आपके लिए लाया है, वो पेपर 1 जीएस पर रहेंगी। सो यू हैव अ चांस टू मीट यूपीएससी सीएसई 2019 टू अपर टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से आपको सीखने को मिल सकता है, और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है। अगर आप टॉप 5 रैंक्स में आते हो माई फ्रेंड्स इस मॉक टेस्ट में, तो आपको 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और अगर आप टॉप 25 रैंक्स में आते हो तो आपको 3 मंथ्स का पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। और इतना ही आप 2019 के टॉपर से मिल सकते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज क्या है वो जान सकते हो, उन्होंने कैसे स्टडी की थी वो आप जान सकते हैं ना माय फ्रेंड्स। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आपको एक प्रिपरेशन के भी, आपको अगर आप फ्रेशर्स है और यूपीएससी सीएसई की प्रीलिम्स के एग्जाम्स देना चाहते हैं 2020 की, और आपको मालूम नहीं कि कैसा फॉर्मेट होता है यूपीएससी का, तो आपको इस मॉक टेस्ट के जरिए रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो कैसे रियल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब आपको मालूम हो जाएगा। तो रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस आपको इस मॉक टेस्ट के जरिए मिल सकता है। तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है इसकी, तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए, जो कि एनरोलमेंट आपको फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको पता है कि 30 दिन से कम दिन रह चुके हैं अनअकैडमी के प्रीलिम्स को, है ना माय फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स को 30 दिन से कम दिन रह चुके हैं, तो आप अपना प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटजीज मिल जाती है, मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिल जाते हैं, अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं माय फ्रेंड्स अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर। तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं माय फ्रेंड्स, वो हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं माय फ्रेंड्स अनअकैडमी का, तो आपको लर्न लाइव फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा हर एक कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर्स स्पेशलाइज सब्जेक्ट के स्पेशलाइज एजुकेटर्स आपको सिखाने वाले हैं, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिल जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाले, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज है माय फ्रेंड। अगर आप यूपीएससी सीएसई का नहीं, अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और लाइव टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इन कोर्सेज को, तो आपको लाइव टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, और स्टडी मटेरियल ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। आप अपना स्टडी, आप अपने नोट्स लिखने की या उसे संभालने की कोई जरूरत नहीं होती, आप क्या करते हैं ना, आप अपने लैपटॉप खोले या मोबाइल करो, आप कहीं भी प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। और आंसर राइटिंग सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए आंसर्स का, और आपने कैसे आंसर्स आपके सॉल्व होने चाहिए, और कितने कम समय में आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे बढ़ेगा, तो वो आंसर राइटिंग सेशंस में आपको बताया जाएगा। तो ये आंसर राइटिंग सेशंस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी कोर्सेज, तो ढेर सारे ये बेनिफिट्स आपको उठाने मिल सकते हैं माय फ्रेंड्स। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटीज, और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको भरपूर मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं माय फ्रेंड्स, कि 100% सिलेबस कवरेज आपको मिल जाएगा, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स आपको मिल जाएंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल जाएंगे, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल जाएंगे, एस एन आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस आपको मिल जाएंगे, परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिल जाएगा, और सेक्शनल क्यूजेस भी आपको मिल जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। अगर हर एक सेक्शन पर आपको क्यूजेस प्रोवाइड करेंगे अनअकैडमी, और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपका अनअकैडमी कर सकता है माय फ्रेंड्स। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन से लेकर इंटरव्यू प्रिपरेशन तक आपको जो भी चीज़ आपको जरूरी है प्रिपरेशन के लिए, वो सब चीज़ें आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन पर माय फ्रेंड्स। तो ये
आपको बैचेस जो शुरू हो चुके हैं 7 सितंबर से, ध्यान में रखिए ये बैचेस 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए इन कोर्सेज को। और ये कोर्सेज आपको 3 महीने लैंग्वेजेस में मिलेंगे, बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है जो कि बिलिंगुअल वर्जन में आपको सीखने को मिल सकता है, हिंदी वर्जन में आपको सीखने को मिल सकता है, इंग्लिश वर्जन में आपको सीखने को मिल सकता है, बाय टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम्स एंड सीरीज विद एनालिसिस, पीडीएफ मटेरियल आपको मिल सकता है, और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ढेर सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटीज माय फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के कोर्सेज को, और ये बैचेस शुरू हो चुके हैं 7 सितंबर से। और सिर्फ इतना ही नहीं कि टी20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज वो भी फ्री में अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, रोज शाम 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट 40 मार्क्स के लिए, और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट सॉल्व किए, कितने इनकरेक्ट सॉल्व किए हैं। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं माय फ्रेंड्स, तो हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज करें SIMPLEYT। हमारा प्रोमो कोड यूज करने के बाद आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं एक फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं आपको कि 24 मंथ्स पर आपको 64,000 पे करने पड़ रहे हैं माय फ्रेंड्स विदाउट प्रोमो कोड, और अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको सिर्फ 57,600 रुपीज पे करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप अनअकैडमी के बैचेस को, अनअकैडमी के कोर्सेज को, तो जल्द से जल्द हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज करें और आप 10% डिस्काउंट इमीडिएटली पा सकते हैं माय फ्रेंड्स। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आपको पीडीएफ पीपीटीज हैंड रिटन नोट सब कुछ अवेलेबल होगा उस टेलीग्राम चैनल पर। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको प्रिपरेशन रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम्स आता हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल करें, हम एज ए गाइडेंस आपको हेल्प करेंगे। और प्रोमो कोड कैसा यूज करना है अकेडमी के सब्सक्रिप्शन लेने के वक्त और 10% डिस्काउंट कैसे पाना है वो हम सब आपको बताएंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो चलिए माय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा बिल्स इन द पार्लियामेंट। अब आज का ये टॉपिक हमारा बिल्स इन द पार्लियामेंट, तो क्या बिल्स होते हैं पार्लियामेंट में, किस बिल्स को पास करता है पार्लियामेंट और क्या टाइप्स होते हैं बिल्स के, तो हम आज वो डिस्कस करेंगे। अब ये आया है ना माय फ्रेंड्स, अब ये क्या है कि लेजिस्लेटिव प्रपोजल होता है, ये बिल्स इन द पार्लियामेंट क्या होता है, लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स होता है ना। अगर ये बिल्स पास होते हैं तो ये लॉ या एक्ट बन जाते हैं, ये आपको पता है। अगर ये बिल्स इसमें से कोई भी बिल्स, अगर ऑर्डिनरी बिल पास होता है, मनी बिल पास होता है, फाइनेंशियल बिल पास होता है, फाइनेंशियल बिल टाइप 2 पास होता है, ये फिर क्या होते हैं, पास करने के बाद क्या होते हैं, या लॉ बन जाते हैं या एक्ट बन जाते हैं, समझ लो। ये प्रपोजल लेजिस्लेचर है, ये प्रपोजल लेजिस्लेचर है, ये लेजिस्लेटिव प्रपोजल से अगर ये प्रपोजल को पास कर दिया लोकसभा या राज्यसभा ने, तो ये बिल आगे जाकर क्या होते हैं, लॉ या एक्ट बन जाते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो हम बिल्स को ये चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो होता है ऑर्डिनरी बिल्स, सेकंड है मनी बिल्स, थर्ड है फाइनेंशियल बिल्स दैट इज टाइप 1, और फोर्थ है फाइनेंशियल बिल्स टाइप 2, है ना। हम ईच एंड एवरी बिल को डिटेल में डिस्कस करेंगे माय फ्रेंड्स, क्या होता है ऑर्डिनरी बिल्स, क्या होता है मनी बिल्स, और फाइनेंशियल बिल्स क्या होता है टाइप 1, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल बिल्स टाइप 1 एंड फाइनेंशियल बिल टाइप 2। तो चलिए माय फ्रेंड्स, हम कुछ देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं ऑर्डिनरी बिल, है ना। तो ऑर्डिनरी बिल किसे कहते हैं माय फ्रेंड्स, के ये जो बिल होते हैं वो मनी बिल नहीं होते, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 नहीं होते, फाइनेंशियल बिल टाइप 2 नहीं होते, उसे कहते हैं ऑर्डिनरी बिल्स, है ना। तो ऑर्डिनरी बिल्स में क्या होता है ना, ये मोस्ट कॉमन बिल्स कहा जाता है इसे, बड़े ही कॉमन, बड़े ही सिंपल तरीके से ये क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। इसमें प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं होती, ये ध्यान में रखिए। इसमें क्या होता है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं होती, आप विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इस बिल्स को पास कर सकते हैं। कहाँ पास कर सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसे लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस बिल्स को पास करने के पीछे प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट जरूरी नहीं होता, ये ध्यान में रखिए, है ना। तो अगर ये क्या होता है ना, मोस्ट कॉमन बिल्स है, जितने भी कॉमन बिल्स यहाँ पर आते हैं, जितने भी ऑर्डिनरी बिल्स अगर आपको पास करने हैं तो आपको प्रेसिडेंट की यहाँ पर अनुमति नहीं लगती, आप डायरेक्टली इसे इंट्रोड्यूस कर दो लोकसभा में, इसे इंट्रोड्यूस कर दो राज्यसभा में, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, इट विल बी द एक्ट एंड दैट्स बिल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी बिल। तो उसे कहते हैं ऑर्डिनरी बिल, है ना माय फ्रेंड्स। तो मनी बिल्स किसे कहते हैं माय फ्रेंड्स, क्या होता है मनी बिल, तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मीन बाय मनी बिल। हाँ, तो ये मनी बिल एक्सक्लूसिव पावर्स होती है लोकसभा के, ये आपको पता है, हमने बहुत बार डिस्कस किया, पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा में डिस्कस किया, प्रेसिडेंट के पार्ट में डिस्कस किया क्या होता है ये मनी बिल, है ना। तो वहां पर भी हमने डिस्कस किया और यहाँ पर भी मैं एक रिपीट करता हूँ कि आर्टिकल अंडर द आर्टिकल 100 ये एक्सक्लूसिव पावर्स टू लोकसभा दी गई होती है। यहाँ पर ये क्या होता है ना, क्यों एक्सक्लूसिव पावर्स ये माना गया है अंडर द आर्टिकल 100, तो अंडर द आर्टिकल 100 ये कहा गया है इट इज एक्सक्लूसिव पावर टू द लोकसभा, है ना। तो ये लोकसभा के एक्सक्लूसिव पावर्स क्यों होते हैं, क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और ये राज्यसभा में पास नहीं किया जाता, है ना, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इसे जो होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन जो होते हैं उसमें कोई रोल प्ले नहीं करते यहाँ पर, है ना, क्योंकि वहां पर राज्यसभा में पास ही नहीं किया जाता ये बिल्स। तो
क्यों राज्यसभा में पास नहीं किया जाता, बिकॉज राज्यसभा इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, है ना, इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो वहां पर हमारा थंब रूल क्या कहता है मनी बिल का, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, दैट इज पीपल बिलोंग्स टू द मनी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, जो कि अंडर द आर्टिकल 100 ये भी कहा जाता है कि मनी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमने इसे क्या किया है कि जो भी जनता जिस भी पार्टी को चूज करके देंगे माई फ्रेंड्स, जो लोकसभा में बैठे होंगे, तो वही मनी बिल बना सकते हैं या मनी बिल पास कर सकते हैं, है ना। तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो होते हैं वो मनी बिल को ही पास करते हैं, इसमें चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता, है ना, ये समझ कर लो। तो ये क्या होता है ना, अंडर द आर्टिकल ये मनी बिल आता है, अंडर द आर्टिकल 100 ये मनी बिल आता है, तो इसे एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा कहते हैं, ये आपको समझ में आता है। तो इसमें कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, आपको क्या काम है, कहाँ इंट्रोड्यूस होता है ये मनी बिल, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। अगर आपको पता चले ना कि आपको समझो ये आंसर चाहिए कि लोकसभा का पावर ज्यादा होता है कि राज्यसभा का पावर ज्यादा होता है इन केस ऑफ मनी बिल, हाँ, तो इन केस ऑफ मनी बिल, इन टर्म्स ऑफ मनी बिल, तो लोकसभा का पावर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू राज्यसभा, बिकॉज राज्यसभा में ये पास ही नहीं होता, है ना, राज्यसभा में ये इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता अंडर द आर्टिकल 100। तो ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और लोकसभा में ही इसे पास किया जाता है ना। बट इसमें क्या होता है ना, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इंट्रोड्यूस, ये जरूरत होती है कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की जरूरत होती है। कब जरूरत होती है माय फ्रेंड्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की, तो वो होती है एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन। अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं लोकसभा में मनी बिल को, तो उसे प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के बिना आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप पास कर सकते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ इंट्रोड्यूस बोल रहा हूँ। अगर आप पास करना चाहते हैं मनी बिल को, अगर आपको प्रायर रिकमेंडेशन मिल गई एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन, तो आपको पास करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती, है ना। तो आपको कब जरूरत होती है प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की, तो आपको प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ही होती है। अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं लोकसभा में, तो आप प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेंगे, फिर वो मनी बिल को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो क्या क्या डिफरेंस है ऑर्डिनरी बिल में और मनी बिल में, क्या ऑर्डिनरी बिल्स क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में और राज्यसभा में, और ऑर्डिनरी बिल्स में क्या होता है माय फ्रेंड्स, के प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट जरूरी नहीं होता। ये मोस्ट कॉमन बिल से, है ना, ये बड़ी साधारण बिल से ये कैसे भी पास किए जाते हैं, लोकसभा में पास किए जाते हैं, राज्यसभा में पास किए जाते हैं। और मनी बिल क्या होते हैं, अंडर द आर्टिकल 100 आते हैं, एक्सक्लूसिव पावर टू लोकसभा होते हैं, और इंट्रोड्यूस कहाँ किए जाते हैं, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं। और इसमें क्या होता है मेन चीज, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी बिल करना चाहे और मनी बिल करना चाहे, इसमें प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट जरूरी होता है एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन, नॉट एट द टाइम ऑफ पासिंग। मैं क्या बोल रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन, यहाँ पर कन्फ्यूजन मत करना कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट जरूरी होता है एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन, है ना। तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज मनी बिल और व्हाट इज ऑर्डिनरी बिल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने बहुत जगह डिस्कस किया है, बहुत बार डिस्कस किया है, कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टर एन ने भी डिस्कस किया है, और फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट में डिस्कस किया है, और हर सेक्शन में हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को क्या आपको बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है माय फ्रेंड्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है माय फ्रेंड्स, की अंडर द आर्टिकल 368 आते हैं, है ना, अंडर द आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान में रखना। अगर आपको ये 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एकदम पूरे डिटेल में पढ़ना है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलो, अंडर द आर्टिकल 368 खोलो और पार्ट 20 खोलो, है ना, तो आपको ये आर्टिकल 368 सब कुछ दिख जाएगा। अब ये बिल जो बहुत ही स्पेशल लाइन बोलता है, अंडर द आर्टिकल 368 में जो स्पेशल लाइन, बहुत ही स्पेशल लाइन बोलता है बिल, क्या बोलता है ये बिल, जो वो सिर्फ पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर, ना, ये बिल क्या होता है, इट इज ओनली इंट्रोड्यूसेस, इट इज ओनली पास इन पार्लियामेंट, नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर, ये बात ध्यान में रखिए, है ना। तो ये क्या होता है ना, ये सिर्फ पार्लियामेंट में ही क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये पार्लियामेंट में ही पास हो सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में पास नहीं हो सकते, ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते। तो अंडर द आर्टिकल 368 बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, आपको पता है कि इट गिव्स मोर अनलिमिटेड पावर्स टू द पार्लियामेंट, ये आपको पता है कि अंडर द आर्टिकल 368 ये अनलिमिटेड पावर देता है पार्लियामेंट को। तो लॉजिकली ना भाई, लॉजिकली ये बात है कि ये कहाँ पास होंगे ये बिल्स, ये पार्लियामेंट में ही पास होंगे माय फ्रेंड्स, ये स्टेट लेजिस्लेचर में पास नहीं होंगे। तो इसे इंट्रोड्यूस कहाँ किया जाता है, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जाता है और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इट इज ए सिमिलर रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी बिल्स। ऑर्डिनरी बिल्स में मैं फिर से दिखाता हूँ, ऑर्डिनरी बिल्स में क्या देखा हमने, ऑर्डिनरी बिल्स कहाँ पास होते हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में ही पास होते हैं, और मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पास होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होते हैं माय फ्रेंड्स, वो सिर्फ कहाँ पास होते हैं, लोकसभा में भी पास होते हैं और राज्यसभा में भी पास होते हैं। राज्यसभा में भी उसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और लोकसभा में भी उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है ना। तो आप समझ गए ये तीनों कंपैरिजंस क्या होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन बिल्स होते हैं, ये लोकसभा में और राज्यसभा में भी पास होते हैं, और मनी बिल से क्या, अंडर द आर्टिकल 100 एक्सक्लूसिव पावर्स देता है लोकसभा को, तो वो कहां पास होते हैं, कहां इंट्रोड्यूस होते हैं, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होते। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर द आर्टिकल 368 आता है कि ये सिर्फ ओनली पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, और
ये क्या होता है, सिमिलर टू द ऑर्डिनरी बेस ये इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी ये इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। आपको समझ में आ गया व्हाट इज ऑर्डिनरी बिल, व्हाट इज मनी बिल और व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, दैट इज कैप बिल किसे कहते हैं। अगर ये बिल्स, ये कौन से भी बिल्स अगर पास होते हो तो बाद में वो क्या बन जाते हैं माय फ्रेंड्स, ये लॉ या एक्ट बन जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो अब आते हैं फाइनेंशियल बिल्स के टाइप वन, क्या क्या है फाइनेंशियल बिल का टाइप वन, है ना। ये फाइनेंशियल बिल का टाइप वन क्या है, प्रायर अभी ये जो बिल होते हैं ना ये अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में आते हैं, है ना। अगर आपको फाइनेंशियल बिल इन डिटेल पढ़ना हो तो आर्टिकल 117 खोलो, हाँ, और क्लॉज 1 खोलो और आप फाइनेंशियल बिल टाइप 1 के पास पहुंच जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है ना, इस अंडर द आर्टिकल 117(1) में क्या आता है, अगर अगर ये आपको नियरली क्या दिखेंगे, ये आपको नियरली मनी बिल की जैसे ही दिखेंगे माय फ्रेंड्स, ये क्या होंगे नियरली मनी बिल की तरह ही दिखेंगे, बट ये मनी बिल नहीं होते, इट इज टोटली अपार्ट फ्रॉम द मनी बिल, इसे मनी बिल से दूर रखा गया है। तो ये अगर आपको डिफरेंस जानना हो फाइनेंशियल बिल या मनी बिल में, फाइनेंशियल बिल टाइप वन में या मनी बिल में, तो आप आर्टिकल 117 पढ़ सकते हो, आर्टिकल क्लॉज 1 पढ़ सकते हो। तो ये बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है इसमें फाइनेंशियल बिल में। तो फाइनेंशियल बिल में आपके क्या आते हैं, पॉलिसीज आते हैं, स्ट्रेटजीज आते हैं, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, आपके क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, है ना। तो फाइनेंशियल बिल के अंडर आते हैं ना। तो फाइनेंशियल बिल किसके अंडर आते हैं, किस आर्टिकल के अंडर आते हैं, अंडर 117, इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है माय फ्रेंड्स। तो ये कहां इंट्रोड्यूस होते हैं, सिमिलर टू द मनी बिल, इंट्रोड्यूस इन ओनली लोकसभा, इसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता था, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ रोल होता है तो स्पीकर्स का, स्पीकर इसे पास करते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल बिल टाइप वन ये सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, और इसे प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इंट्रोड्यूस लगती। तो ये दो पॉइंट मैंने डिस्कस किया, सिमिलर टू द मनी बिल, ये मनी बिल में भी क्या होता है, ये मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाते हैं, और फाइनेंशियल बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं, वो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस होते हैं। तो दोनों के ये सिमिलर पॉइंट्स है। और मनी बिल में भी क्या देखा हमने, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट जरूरी होता है, आपको पता है कि मनी बिल में प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट जरूरी होता है, बट कब जरूरी होता है, कब जरूरी होता है, एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन, समझ रहे हो, एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट जरूरी होता है। और यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट भी जरूरी होता है, बट कब होता है, एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन। तो अब अगर आप ये दो पॉइंट्स को अगर देखना चाहो, मनी बिल में भी और फाइनेंशियल बिल टाइप वन में भी, तो आपको ये क्या लगेगा, थोड़ा नियरली क्या लगेंगे, ये मनी बिल ही है ऐसा लगेगा, बट इट इज टोटली अपार्ट फ्रॉम द मनी बिल, ये आपको समझ के लेना चाहिए कि फाइनेंशियल बिल टाइप वन में इट इज ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, और प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की जरूरत होती है एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट इज फाइनेंशियल बिल टाइप वन। अब फाइनेंशियल बिल टाइप टू की तरफ आते हैं, क्या है फाइनेंशियल बिल टाइप टू माय फ्रेंड्स। अगर ये तो पूरा ही ऑर्डिनरी बिल है माय फ्रेंड्स, अगर आप देखें ना ये पूरा ही ऑर्डिनरी बिल है एक्सेप्ट वन थिंग। तो क्या है ऐसी एक चीज जिसे वो ऑर्डिनरी बिल नहीं कहा जा सकता, कि फाइनेंशियल बिल्स अगर आप देखो ना ये पूरा ही ऑर्डिनरी बिल है, बट एक चीज इसमें ऐसी आती है तो उसे वो ऑर्डिनरी बिल नहीं कहा जा सकता। तो ये आर्टिकल 117 आता है, क्लॉज 3 में आता है, अगर आप इसे पढ़ना चाहो तो आर्टिकल 117 खोलो, क्लॉज 3 में चलो। अगर आप इसमें क्या आता है ना फाइनेंशियल बिल्स टाइप 2 में, कि फॉरेनर से क्या कितना पैसा आ रहा है, बाहर से कितना, इंटरनेशनल पैसा कितना आ रहा है, पॉलिसीज कितनी आ रही है, तो ये सब फाइनेंशियल बिल्स टाइप 2 में होता है, है ना। इससे सब रिलेटेड चीजें क्या होती है फाइनेंशियल बिल टाइप 2 में होता है। तो इसे अंडर द आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में होता है, तो इसे इंट्रोड्यूस किया सकता है लोकसभा और राज्यसभा में, जो कि हमने ऑर्डिनरी बिल में भी देखा, ऑर्डिनरी बिल्स कहाँ पास होते, कहाँ इंट्रोड्यूस होते, लोकसभा और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस होते, और रिकमेंडेशन फॉर कंसिडरेशन, है ना। अब क्या होता है ना, इसमें एक मैंने बोला था ना, एक चीज ऐसी है जिससे वो ऑर्डिनरी बिल नहीं कहा जा सकता। अब ऑर्डिनरी बिल सिमिलर पॉइंट्स का है, ऑर्डिनरी बिल में इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस करते हैं ऑर्डिनरी बिल को, और फाइनेंशियल बिल भी कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस करते हैं और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट यहाँ पर एक चीज ऐसी ना जो कि रिकमेंडेशन फॉर कंसिडरेशन, यहाँ पर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन आपको लगती है जो कि ऑर्डिनरी बिल में नहीं लगती, है ना। तो यहाँ पर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट लगती है, बट कब लगती है, कब लगती है, एट द टाइम ऑफ कंसिडरेशन, है ना। अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं कि फाइनेंशियल बिल टाइप 2 है, तो वो कंसिडरेशन के वक्त आपको क्या लगता है, रिकमेंडेशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत होती है, आपको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन की जरूरत होती है एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल बिल टाइप 2। तो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 क्या होता है, इज टोटली डिपेंड ऑन मनी बिल्स, बट इट इज यूजुअली अपार्ट फ्रॉम द मनी बिल, जिसमें लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है फाइनेंशियल टाइप 1 को, और उसमें प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट लगती है एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन। और फाइनेंशियल बिल्स टाइप 2 में क्या होता है, ये आर्टिकल अंडर द आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में आते हैं, और इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा एंड राज्यसभा, देयर सिमिलर पॉइंट्स इन ऑर्डिनरी बिल्स आल्सो नाउ। बट इसमें थर्ड पॉइंट क्या आता है, रिकमेंडेशन फॉर कंसिडरेशन लगता है प्रेसिडेंट का एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल बिल टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या एक पॉइंट आता है कि रिकमेंडेशन फॉर द कंसिडरेशन लगता है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन यहाँ पर लगती है। अगर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन नहीं देता तो फाइनेंशियल बिल टाइप 2 पास नहीं हो सकता, ये बात को ध्यान में रखना है, है ना। तो इसमें से क्या समझ जाता है हमें फ्रेंड्स, के
प्रेसिडेंट इज ए मेन पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, यह हमें पता है. बट हमें यह भी पता है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यह हमें यह भी पता है. बट प्रेसिडेंट इज ए मेन पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, हमने कहा कहा नहीं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन देखे. हमने ऑर्डिनरी बिल को छोड़कर हमने मनी बिल को प्रायर रिकमेंडेशन लगती है प्रेसिडेंट की, फाइनेंशियल बिल टाइप वन को लगती है प्रायर रिकमेंडेशन, फाइनेंशियल बिल टाइप टू को लगती है प्रायर रिकमेंडेशन बट फॉर द कंसिडरेशन, है ना. तो हमें सब जगह पार्लियामेंट में देखना है कि प्रेसिडेंट की क्या फंक्शन होता है. तो सब जगह प्रेसिडेंट का फंक्शन होता है, एक मेजर रोल प्ले करता है प्रेसिडेंट. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेसिडेंट. तो इसलिए हमने क्या कहा है माय फ्रेंड्स कि प्रेसिडेंट इज ए क्या है, मेन पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, है ना. तो प्रेसिडेंट इज ए फंक्शनल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट जिसे कहते हैं हम, फंक्शनल जिसकी वजह से कोई भी नहीं क्या कहते हैं ना, जिसकी वजह से कोई कामकाज नहीं हो सकता आपके प्रेसिडेंट के बिना. अगर वो कंसिडरेशन देते तभी वो फाइनेंशियल बेस हो सकता है, तभी वो मनी बिल हो सकता है और तभी वो फाइनेंशियल बिल टाइप टू हो सकता है ना माय फ्रेंड्स. तो अब हमने अंडर द आर्टिकल 79 जो पढ़ा था जब, तो हमने अंडर द आर्टिकल 79 क्या कहा था, तो पार्लियामेंट इज नथिंग बट लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, है ना. तो ये तीन मेन पार्ट्स होते हैं पार्लियामेंट के. तो उसकी वजह से पार्लियामेंट फॉर्म होता है. अगर इसमें से एक भी पार्ट भी अगर नहीं होता तो पार्लियामेंट फॉर्म नहीं होता, है ना. तो पार्लियामेंट का कामकाज आगे नहीं बढ़ता. तो प्रेसिडेंट इज ए मेन पार्ट ऑफ दिस पार्लियामेंट. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बिल्स इन द पार्लियामेंट क्या होते हैं, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ बिल्स इन द पार्लियामेंट, क्या किसी को कहते हैं ऑर्डिनरी बिल्स, किसी कहते हैं मनी बिल्स, किसे कहते हैं फाइनेंशियल बिल टाइप टू और फाइनेंशियल बिल टाइप वन, है ना. कहाँ कहाँ पर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की जरूरत होती है. अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत आती हो माय फ्रेंड्स, तो आप कन्फ्यूजन आपके जो कि आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको अगली वीडियो में उसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे. तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के कोर्सेज को, हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज करें, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट. सिंपल वाइटी हमारा प्रोमो कोड है. अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज को माय फ्रेंड, तो जरूर हमारा प्रोमो कोड यूज करें जिसके वजह से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर यूज करें जिसमें आपको पीपीडीज, पीडीएफ, फाइंड नोट सब कुछ मिल जाएगा माय फ्रेंड्स. तो फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.